दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो ऑनलाइन चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। तो हे गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपने थंबनेल पे हिंदी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी के अलावा आप अगर कोई और लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बांग्ला या फिर किसी और लैंग्वेज में आपको टेक्स्ट लिखना है, तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, और आप अगर व्हाट्सअप या फिर किसी एप्लीकेशन पर जो है हिंदी टेक्स्ट भेजना चाहते हैं तो वो भी आप किस तरीके से भेज पाएंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको खोलना है अपने प्ले स्टोर को। जैसे आप प्ले स्टोर पर खोलेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन को सर्च करना है जिसका नाम है जी बोर्ड। तो ये गूगल का एप्लीकेशन है, तो इसको जैसे आप सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने का मिलेगा इसका। तो यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, करीबन करीबन जो है 21 MB की एप्लीकेशन है। तो चलिए, डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना रहेगा, तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए ओपन कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को। तो यहाँ जाइए, एप्लीकेशन जैसे ओपन हुआ तो पहले टाइम में जो है कुछ इस तरह की सेटिंग जो है आपको सेटअप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इनेबल इन सेटिंग का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ये लोड लेने में टाइम ले रहा है। तो इस तरह के दो ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ आपको जी बोर्ड होगा, नीचे से आपको जी बोर्ड को इनेबल करना रहेगा। तो जैसे आप इनेबल पर क्लिक करोगे तो इस तरीके की सेटिंग आपको दिखाएगा, तो आपको ओके कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट इनपुट मेथड आपको दिखाएगा, तो यहाँ आपको जो है जी बोर्ड पर सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश जी बोर्ड, ठीक है। उसके बाद आपके सामने सेटिंग्स खुल जाएगी, तो यहाँ से पहले आप कर लीजिएगा टेक्स्ट करेक्शन को जो है अपना बंद कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट करेक्शन को पहले सबसे पहले बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ जितने भी चीज़ें हैं तो मैं पहले बंद कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि जो है आपको सही से समझा पाऊँ। तो अगर आप इसे बंद नहीं करना चाहते तो आप बंद भी नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसे फिलहाल बंद कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने बंद कर लिया, बंद करने के बाद बैक कर लेते हैं। और बैक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर, तो यहाँ आपको लैंग्वेज के ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जी बोर्ड का ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यूज़ सिस्टम लैंग्वेज लिखा होता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हो तो नीचे आपको इंग्लिश इंडिया का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो ये आपकी इनेबल रहेगी। तो यहाँ से देखिए आपको ढेर सारी लैंग्वेज मिल जाएगी, तो आप भी जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं वो सारी लैंग्वेज को आप इनेबल कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर हिंदी पर पहले कर लूँ टिक, ताकि मैं आपको बता दूँ हिंदी कैसे लिखते हैं। इसके अलावा आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हिंदी पर तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, तो फर्स्ट वाले पर आपको क्लिक करना है। बाकी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ से पहले इनेबल कर लेते हैं। जैसे आप इनेबल करेंगे तो उसके बाद कुछ टाइम में इसको लगेगा आपको हिंदी फॉन्ट को डाउनलोड करने में, तो ये अपना जो है हिंदी फॉन्ट डाउनलोड करेगा। तो ये अभी शो नहीं कर रहा है ऊपर, लेकिन ये बैकग्राउंड में डाउनलोड होता है। तो चलिए मैं आपको अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पर दिखा देता हूँ किस तरीके से डाउनलोड होने के बाद चलता है। तो थोड़ा बैक कर लेते हैं, तब तक ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ऊपर आप देख सकते हैं स्पीड आ रही है, और नीचे आप देखेंगे स्क्रीन पर लिख के आएगा कि यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए वेट करते हैं, और थोड़े से वेट के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए फिनिश डाउनलोडिंग सजेशन फॉर हिंदी, तो पहला डाउनलोड हो गया और दूसरा भी इसका कंप्लीट हो गया काम, और शायद तीसरा भी होगा। तो यहाँ पे ये देखिए फिनिश हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ किसी एप्लीकेशन पे चल के कि किस तरीके से ये हिंदी टेक्स्ट वाला वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं एक एप्लीकेशन को ले लेता हूँ, पिक्सल को ले लेता हूँ। आप चाहे तो पिक्स आर्ट या भी जिससे भी आप एडिटिंग करते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं पिक्सल लैब को यूज़ करने वाला हूँ दिखाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से जो पिक्सल लैब का ऑप्शन खुलता है, तो यहाँ से जो है मुझे टेक्स्ट को ऐड करना है, तो ऊपर मुझे टेक्स्ट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इस तरीके का टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, तो मुझे नीचे यहाँ पर इंग्लिश होता है वहाँ पर मुझे प्रेस करके रखना है। जब मैं प्रेस करके रखूँगा तो मुझे इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से मैं हिंदी जी बोर्ड सेलेक्ट कर लूँगा। तो उसके बाद जो है इस तरीके का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा, तो यहाँ से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हिंदी, और इस तरीके के काफ़ी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हिंदी में, ओके, यहाँ के बाद जो है लिखे। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा आप चाहें तो वैसा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको काफ़ी ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे से आप हिंदी में लिख सकते हो। यहाँ मैंने लिख लिया है और ओके कर लिया है। ओके करने के बाद देखिए हिंदी में लिखा, इस तरीके का टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने सिंपल आपको दिखाया है कि इस तरीके से टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ थंबनेल, उस पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं एक इंपोर्ट कर लेता हूँ थंबनेल। तो चलिए इंपोर्ट करने के बाद जो है मैं उस पर भी आपको लिख के दिखा देता हूँ, ताकि जो है पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए। तो यहाँ मैं गैलरी में आता हूँ, गैलरी में अपनी एक फ़ोटो ले लेता हूँ कोई भी, जिसमें मुझे थंबनेल मेरा पहले से हो। तो यहाँ से ये मान लीजिए, चलिए एक नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ से ये थंबनेल ले लिया, ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद ये थंबनेल आ गया, देखिए इस पर टेक्स्ट जो है इस तरीके से आया है। लेकिन अगर मैं दूसरा टेक्स्ट एडिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जो है सेटिंग में जाके भी एडिट कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरीके से एडिट कर सकते हैं, और इस पर अगर कुछ भी लिखना हो तो लिख सकते हैं ईजिली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे काफ़ी ढेर सारे चीज़ें मिल जाती हैं जिनसे मैं अच्छा हिंदी का टेक्स्ट लिख सकता हूँ। इसके अलावा जो है आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपको सेम वही करना है, नीचे प्रेस करके रखना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर इसके अलावा भी अगर इधर से टेक्स्ट आपको डालना है तो आप कैसे डालोगे। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, साइड में ये ऑप्शन यहाँ पर मिलता है टेक्स्ट का। तो यहाँ से जो है मैं और भी टेक्स्ट डाल सकता हूँ।
तो इस तरीके से मैं कई ढेर सारे टेक्स्ट जो भी मुझे डालने हैं इस तरीके से मैं अपने थंबनेल में टेक्स्ट को डाल सकता है। तो अभी जो इस तरीके से थंबनेल बना लीजिएगा, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।